हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 8 का बायोलॉजी सब्जेक्ट का चैप्टर 9 रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन का हिंदी मतलब होता है प्रजनन। सबसे पहले हम इस चैप्टर का कंटेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, हमारे लिए रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब रिप्रोडक्शन के कितने प्रकार हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आइए अब जानते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। सबसे पहला यहाँ एक टॉपिक दिया है रिप्रोडक्शन। यह रिप्रोडक्शन दो वर्ड से बना हुआ है, पहला आर ई प्लस प्रोडक्शन, पी प्रोडक्शन। आर ई मतलब होता है अगेन, आर ई मतलब क्या होता है अगेन, अगेन मतलब क्या, ऑलवेज अगेन मतलब होता है दोबारा। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता हो, रीअगेन प्रोड्यूस करता हो, उसी को क्या कहा जाता है रिप्रोडक्शन। जिस तरह अगर मैं ऑर्गेनिज्म हूं और मेरे ही जैसा एक दूसरा संतान फिर से उत्पन्न हो गया, रीअगेन जनरेट हो गया, उसी को क्या कहा जाएगा रिप्रोडक्शन। या आप सिंपल लैंग्वेज में ये भी कह सकते हो, रिप्रोडक्शन मींस दैट मल्टीप्लीकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। या ऐसे भी कह सकते हो, द प्रोसेस बाय विच लिविंग बींग्स प्रोड्यूस देयर ओन ऑफस्प्रिंग, इट रेफर्स टू द रिप्रोडक्शन। ये मेनली आप तीन तरह से रिप्रोडक्शन को डिफाइन कर सकते हो। ये क्या हुआ हमारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन, आखिर ये रिप्रोडक्शन होता क्या है। अब आइए इंपोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। हमारे जीवन में प्रजनन जो प्रक्रिया है वह क्यों जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट आप ये कह सकते हो, फॉर सर्वाइवल ऑन द अर्थ, मतलब अर्थ पे सर्वाइव करने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है, फॉर सर्वाइवल ऑन द अर्थ। पहला पॉइंट में जब भी कोई पूछेगा आपसे व्हाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर अस, रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर अस फॉर सर्वाइवल ऑन द अर्थ, मतलब अर्थ पे सर्वाइव करने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। आप रोड नोट डाउन भी कर सकते हो, सर्वाइवल ऑन द अर्थ। दूसरा पॉइंट में आप ऐसा भी कह सकते हो, टू मेक एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, मतलब जो लाइफ है, जो जीवन प्रक्रिया अर्थ पे चल रही है उसको मेंटेनेंस करने, मेंटेनेंस बनाए रखने में रिप्रोडक्शन मदद करता है। मतलब अपना, जिस तरह मैं एक ऑर्गेनिज्म हूं, अपना अस्तित्व धरती पर बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। टू मेक एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, मतलब जीवन का पहचान बनाने के लिए अर्थ पे रिप्रोडक्शन जरूरी है। आप मैंने दो वे से रिप्रोडक्शन का इंपोर्टेंस को बता सकते हो, पहला फॉर सर्वाइवल ऑन द अर्थ, अर्थ पे सर्वाइव करने के लिए, दूसरा टू मेक एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, मतलब अपने जो एग्जिस्टेंस है लाइफ का वो अर्थ पे बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। अब बच्चों हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन का मेनली कितने प्रकार है। मेनली रिप्रोडक्शन का दो ही प्रकार है, पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, कितना प्रकार है, दो टाइप्स है इसका, कितना टाइप्स है, दो टाइप्स। अब जानेंगे सबसे पहला असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हिंदी में कहा जाता है अलैंगिक जनन, क्या कहा जाता है अलैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या कहा जाता है, लैंगिक
जन्म। देखिए यहां क्या आता है, असेक्सुअल लगा हुआ है और रेफर करता है वर्म, और रेफर किसको कर रहा है वर्म, मतलब एक ऐसा जनन प्रक्रिया जिसमें ओनली वन पेरेंट्स का इन्वॉल्व होता हो उसको क्या कहा जाता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अ प्लस सेक्स प्लस वन, और मतलब क्या हो रहा है यहां, वन सेक्स। आप जानते होंगे जब भी कोई फॉर्म फिलअप करते होंगे, याद रखने की तरीका हम आपको बता रहे हैं, तो उस फॉर्म में फिलअप करते हुए वक्त आप लिखते होंगे सेक्स, सेक्स लिखते होंगे, तो उसमें लिखा जाता है लिंग आपका क्या है, मेल या फीमेल। तो यही सेक्स मतलब क्या हुआ, लिंग मेल या फीमेल, मतलब वन फीमेल प्लस वन मतलब प्रोसेस, मतलब वन फीमेल प्रोसेस, मतलब जब कोई भी रिप्रोडक्शन प्रक्रिया में एक फीमेल ही पार्टिसिपेट करता हो, सिर्फ अपने संतान को उत्पन्न करने में, उसी को क्या कहा जाता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि जिस रिप्रोडक्शन में, जिस रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट्स का इन्वॉल्व हो उसी को क्या कहा जाता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अ मतलब वन, सेक्स मतलब फीमेल, वन मतलब प्रोसेस, दोज प्रोसेस इन विच ओनली वन पेरेंट्स इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, इट रिफर्स टू द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल मतलब मेल प्लस, मेल प्लस फीमेल, व्हेन मेल एंड फीमेल आर कोपुलेट टू ईच अदर, देन आफ्टर वन ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय मेल एंड फीमेल, इट रिफर्स टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सपोज कीजिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको कहेंगे, जब मेल और फीमेल संभोग करता हो ज्वाइन होके, तब उससे क्या होता है, एक ऑफ स्प्रिंग उत्पन्न होता है, उसी को क्या कहा जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब दो रिप्रोडक्शन इन विच टू पेरेंट्स इन्वॉल्व टू प्रोड्यूस देयर ऑफ स्प्रिंग, इट रेफर्स टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब असेक्सुअल हम पहले ही बता चुके हैं, दो रिप्रोडक्शन इन विच ओनली वन पेरेंट्स इन्वॉल्व टू प्रोड्यूस देयर ऑन ऑफ स्प्रिंग, इट रेफर्स टू द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो रिप्रोडक्शन इन विच टू पेरेंट्स इन्वॉल्व टू प्रोड्यूस देयर ऑन ऑफ स्प्रिंग, इट रेफर्स टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे अमीबा, जैसे अमीबा। अमीबा क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेस्ट एग्जांपल है। अमीबा क्या होता है, ओनली वन बॉडी ही रहता है, सपोज कीजिए ये हमारा अमीबा है, ठीक है, और अमीबा क्या होता है, अमीबा हमारा, सपोज कीजिए ये हमारा अमीबा है, और अमीबा क्या है, ओनली वन बॉडी है, या नहीं तो ये क्या है, ओनली वन बॉडी है, यही क्या होता है, स्प्लिट कर जाता है, क्या कहा जाता है, स्प्लिट कर जाता है, यही क्या बन जाता है, दो पार्ट में बन जाता है। तो मतलब असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है, कोई भी चीज अकेला ही इन्वॉल्व होके दूसरा संतान का उत्पादन करता हो उसी को क्या कहा जाता है, असेक्सुअल। असेक्सुअल का एग्जांपल ए फॉर असेक्सुअल, ए फॉर एमीबा, एमीबा इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आ जाइए, जितने भी ह्यूमंस हैं, मतलब हम लोग जितने भी हैं, वह किसका एग्जांपल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब आप आगे सीनियर सेक्शन में जाओगे तो आप अभी पढ़ते हो मेल और फीमेल के बारे में, लेकिन कुछ ऐसा एक्सेप्शनल केस देखा गया है अकॉर्डिंग टू साइंस, उसमें क्या होता है, मेल भी, मेल कैन आल्सो रिप्रोड्यूस देयर ऑन यंग वंस, अपना संतान मेल भी क्या करता है, आपको ऐसे जनरली जानते होंगे फीमेल ही हमेशा
ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करती है। लेकिन जब आप हायर सेक्शन में जाओगे तो कुछ एक्सेप्शनल केस ऐसा देखा गया है जिस जहां रिप्रोडक्शन में मेल ओनली पार्टिसिपेट कर रहा है। ये सब जो था ये रिप्रोडक्शन का मेन टॉपिक था जिसको डिस्कस करना बहुत जरूरी था। अब चलते हैं इस चैप्टर के अंदर, अब देखते हैं क्या है।